चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस वायरस के कहर का अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि हर दिन इसके असर से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 200 को पार कर गई है, जबकि कोरोना वायरस की चपेट में आए लोगों की संख्या 7000 को भी पार कर गई है। इनमें से 1500 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। कोरोना वायरस के लगातार केस सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक बड़ा कदम उठाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार को कोरोना वायरस को इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया। WHO की अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमन आपात समिति की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस बीमारी से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित किया जा सके। WHO चीफ ट्रेडोस एडनम ने बताया कि सबसे बड़ी चिंता ऐसे देशों में वायरस को फैलने से रोकने की है जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कमजोर हैं। साथ ही उन्होंने साफ किया कि ऐसा करने से चीन पर अविश्वास जैसा कुछ नहीं है, बल्कि कोशिश ये है कि दूसरे ऐसे देश जो इससे उबर नहीं सकते उनकी मदद की जा सके। टेड्रोस ने बताया कि हम सबको एक साथ मिलकर इसे और ज्यादा फैलने से रोकना है। हम इसे सिर्फ एक साथ मिलकर ही रोक सकते हैं। कोरोना वायरस को लेकर हुए इस ऐलान के बाद अब WHO अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकेगा, जिसका पालन करके इस गंभीर समस्या से निपटा जा सकेगा। फिलहाल एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन से बाहर 18 देशों में कोरोना वायरस के 82 मामलों की पुष्टि हुई है। थाईलैंड में 14, जापान में 11, सिंगापुर में 10, दक्षिण कोरिया में 4, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में 7-7, अमेरिका और फ्रांस में 5-5, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात में 4-4 और कनाडा में कोरोना वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा वियतनाम में 2, कंबोडिया, फिलीपींस, नेपाल, श्रीलंका, भारत और फिनलैंड में 1-1 कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि हुई है। दुनिया भर में कोरोना के फैलते कहर को देखते हुए ही WHO ने इसे लेकर इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया है। किसी बीमारी या महामारी की स्थिति में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किए जाने का कानून 2007 में आया था और उसके बाद से WHO 5 बार इसका ऐलान कर चुका है। स्वाइन फ्लू, पोलियो, जीका और 2 बार अफ्रीका में इबोला वायरस के चलते WHO को ये ऐलान करना पड़ा था। अब कोरोना को लेकर इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी के ऐलान के 3 महीने बाद स्थिति का आकलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।